नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। इस देश का मीडिया और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी आपको किन मुद्दों में भटका कर रखना चाहती है? हिजाब, बुर्का, हिंदू मुस्लिम, तालिबान और तमाम इसी तरह के मुद्दे। और इत्तेफाक देखिए, ये वही मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा होता है। क्या आप जानते हैं कि गुजरात बेस्ड शिपिंग कंपनी एबीजे शिपयार्ड को लेकर एक बहुत जबरदस्त घोटाला आया है, जिसमें बैंकों से 22,842 करोड़ यानी कि करीब 23,000 करोड़ रुपए लूटा गया है। सीधा सवाल, क्या आप इस खबर की चर्चा कहीं पर भी देख रहे हैं? इससे पहले इस शख्स नीरव मोदी, जो कि डायमंड के व्यापारी हैं, उनसे जुड़ा हुआ करीब 14,000 करोड़ की लूट का मामला सामने उभर कर आया था और वो देश छोड़कर भाग गए। इत्तेफाकन सभी गुजरात की पृष्ठभूमि के हैं और यही वजह है कि कांग्रेस सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रही है। वो ये बोल रही है कि चाहे नीरव मोदी हो या मेहुल चोकसी, जिन्हें प्रधानमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे मेहुल भाई बताया था, तो ये दोनों व्यापारी और अब एबीजे शिपिंग यार्ड वाला जो घोटाला है, ये तमाम कंपनियां, ये तमाम बिजनेसमैन गुजरात की पृष्ठभूमि के हैं और यही वजह है कि कांग्रेस जो उन पर हमला बोल रहा है, सीधा हमला बोल रहा है कि ये हो रहा है और सिर्फ बीजेपी के जानकारी में होते हुए हो रहा है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। खबर यह है कि सीबीआई ने एबीजे शिपयार्ड पर केस दर्ज किया है और यह मामला 28 बैंकों के साथ 23,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी धोखाधड़ी। और इससे पहले जितनी भी बड़ी धोखाधड़ियां हुई हैं, उन सभी के रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एसबीआई ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। एसबीआई ने अपनी एफआईआर में जो दर्ज की गई है, उसमें कहा है कि न सिर्फ रकम में हेरफेर की गई है, बल्कि उस रकम को ठिकाने भी लगा दिया गया है। क्या कहते हैं वो, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फोरेंसिक ऑडिट, हेरफेर कर ठिकाने लगाई गई रकम। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक 18 जनवरी 2019 को अर्नेस्ट एंड यंग एलपी द्वारा दाखिल अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच में सामने आया है कि कंपनी ने गैर कानूनी गतिविधियों के जरिए बैंक से कर्ज में हेरफेर किया और रकम ठिकाने लगा दी। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा एक एक करके कि किस बैंक को कितनी चपत लगाई गई है। सबसे पहले अगर आप एसबीआई की देख रहे हो कि एसबीआई को 2,468.51 लाख रुपए की चपत लगाई गई है। सबसे ज्यादा चपत जो लगाई गई है वो आईसीआईसीआई बैंक को 7,089 करोड़ रुपए की चपत। उसके बाद आईडीबीआई की बात करें तो आईडीबीआई में 3,634 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो उन्हें 1,614 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें दोस्तों, तो पंजाब नेशनल बैंक को 1,244 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई है और आईओबी की बात करें तो उन्हें 1,228 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई है। कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मोदी काल में अब तक 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हो चुके हैं। 75 सालों में भारत की जनता के पैसे से ऐसी धांधली कभी नहीं हुई। लूट और धोखे के ये दिन सिर्फ मोदी मित्रों के लिए अच्छे दिन हैं। यहां पर सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी कि ये किसके अच्छे दिन हैं। कांग्रेस एक कदम आगे बढ़कर आरोप लगा रही है। उनके प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि एसबीआई लगातार गुहार लगाती रही मगर सीबीआई के कान में जू तक नहीं रेंगी और इन्होंने मामले को दर्ज करते करते कई साल लगा दिए। क्या कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, आइए सुनते हैं। मोदी सरकार को जब एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ दिवालिया
डिक्लेयर करने की प्रोसीडिंग्स 1 अगस्त 2017 को चालू हो गई थी, तो मोदी सरकार को 5 साल क्यों लगे केवल एक एफआईआर दर्ज करने में कि इन्होंने 28 बैंकों का 22,842 करोड़ गबन कर लिया। यानी कि एक के बाद एक ये मामले सामने उभर कर आ रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात यह दोस्तों कि इसका सीधा ताल्लुक आपसे और हमसे है, आम जनता से है, क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई इन बैंक्स में जाती है और फिर इसी बैंक का पैसा लेकर ये उद्योगपति जो हैं रफू चक्कर हो जाते हैं। न जाने कितने लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी उस डिप्रेशन के चलते, न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें गलती किसकी है? क्या इसमें गलती सरकार की है? क्या इसमें गलती उन धोखाधड़ी करने वालों की है? सबसे बड़ी गलती किसकी है बताइए? यकीनन अगर सरकार इस मुद्दे पर निरंकुश बनी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो गलती सरकार की है। अगर धोखाधड़ी वो धन्ना सेठ कर रहे हैं, आपकी मेहनत की कमाई अपनी जेब में डाल के रफू चक्कर हो रहे हैं, तो गलती उनकी है, अपराध उनका है। मगर गोदी मीडिया, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस मीडिया का फर्ज होता है आपके मुद्दे उठाना, वो इस पर खामोश क्यों है? कहीं वो इस मुद्दे पर इसलिए तो नहीं खामोश हैं कि चुनावी मौसम चल रहा है और इस दौरान अगर इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मीडिया ने तो मानो सुपारी ले रखी है विपक्ष के खिलाफ और सरकार के पक्ष में। आज सुबह 8 बजे क्या हुआ? 8 बजे तमाम न्यूज चैनल्स ने एएनआई द्वारा किया गया इंटरव्यू दिखाया। किसका इंटरव्यू? माननीय योगी आदित्यनाथ का। आप जानते हैं आज वोटिंग हो रही है, बावजूद इसके ये इंटरव्यू दिखाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था पहले चरण के मतदान में, जहां एक रात पहले प्रधानमंत्री का 1 घंटा 10 मिनट का इंटरव्यू किसने किया था? फिर एएनआई ने किया था। और इस इंटरव्यू में कोई भी कठिन सवाल नहीं पूछे गए दोस्तों। और यही नहीं, प्रधानमंत्री यहां पर नहीं रुके, उन्होंने इंडिया टीवी को टेलीफोन पर इंटरव्यू दिया। वो वहां पर भी नहीं रुके, 2 बड़े बड़े पन्नों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू छपा है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, पहली बात मुद्दों को दबाना, दूसरी बात चुनाव के मौसम पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। क्या यह काम होता है मीडिया का? मीडिया की एक और शर्मनाक तस्वीर मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिजाब और बुरके पर कुछ मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। यह खबर देखिए दोस्तों, इस खबर की भाषा देखिए, जो व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा है उसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया कि पुलिस ने उन्हें खदेड़ा। कोई प्रदर्शन कर रहा है उसके हिसाब से हो सकता है कि वो एक जायज मुद्दा है, मगर अखबार किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं? उन्हें खदेड़ा। यानी कि मुद्दों पर फोकस नहीं करना, माइनॉरिटीज को टारगेट करना, माइनॉरिटीज जो मुद्दा उठा रहे हैं उन्हें टारगेट करना, कितने शर्म की बात है। आपको ये खुद से सवाल पूछने पड़ेंगे कि कब तक हम आंखें मूंदे इन मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम असल मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे वैसे वैसे हमारा लोकतंत्र कमजोर होता रहेगा। और फिर एक दिन आएगा जब हम आसपास देखेंगे तो हमारे बुनियादी अधिकार हमसे छीन लिए गए होंगे और गायब हो गए होंगे, और फिर रोनों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक तरफ मीडिया इस कदर बर्बादी कर रही है जहां उन्होंने इतने बड़े घोटाले को तरजीह नहीं दी, दूसरी तरफ देश के संघीय ढांचे पर लगातार वार किया जा रहा है और कई नॉन बीजेपी स्टेट्स बगावत कर रहे हैं। एक एक करके इन तस्वीर को देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना की मुख्यमंत्री KCR और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। क्या आप जानते हैं ये तमाम चार चेहरे जल्द दिल्ली में मिलने वाले हैं? क्यों? क्योंकि तमाम जगहों पर भाजपा द्वारा नियुक्त गवर्नर्स इन सरकारों को परेशान कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी ने तो जगदीप धनखड़ जो कि राज्यपाल हैं
उन्हें ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है साहब, ट्विटर पर ही ब्लॉक कर दिया है। अब उन दोनों के बीच में लगभग कोई संपर्क नहीं है। यही नहीं, जगदीप धनकर बार बार ममता बनर्जी के लिए मुश्किलात पैदा करते रहते हैं, तमिलनाडु का रुख करते हैं। स्टालिन NEET नीट को लेकर एक बिल लाते हैं, मगर भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त जो गवर्नर होते हैं उनके बिल को ब्लॉक कर देते हैं। तमिलनाडु सरकार इसे असंवैधानिक बता रही है। और मैं आपको बतला दूं, गतिविधियां जो चल रही हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ममता बनर्जी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को कहा कि आप मुझे तेलंगाना बुलाइए, मैं आपके घर में डोसा खाना चाहती हूं। बड़ा प्रश्न, इस डोसे में कितना राजनीतिक तड़का होगा। अभी हाल ही में हैदराबाद से होकर आए दोस्तों, और हैदराबाद आप जाएंगे तो आपको इस बात का आभास होगा कि वहां के खाने में कितना ज्यादा स्पाइस होता है, कितना ज्यादा जैसे कहते हैं ना हॉट खाना होता है वहां का। तो सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव KCR के बीच ट्यूनिंग बन पाएगी। और यही नहीं, अब ये तमाम चार चेहरे जो हैं वो दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार उन्हें लगातार परेशान कर रही है और उनके खिलाफ एक रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा प्रश्न, क्या वो सफल हो पाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी नुमाइंदगी एक राष्ट्रीय दल को करनी भी बहुत जरूरी है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस इन तमाम राज्यों में, एक महाराष्ट्र को अगर हम छोड़ दें तो इन तमाम राज्यों में उसकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, और ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व के बगैर ये लोग बैठक कर रहे हैं। ये लोग बैठक तो कर रहे हैं मगर क्या वो बीजेपी सरकार को चुनौती दे पाएंगे? निजी तौर पर मुझे लगता है अभी बहुत जल्दबाजी होगा ऐसा कहना, और अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज है, क्योंकि आप यह नहीं भूल सकते कि अगर आपको बीजेपी को राजनीतिक तौर पर चुनौती देनी है तो बहुत जरूरी होगा राष्ट्रीय तौर पर फैली एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप में यह चुनौती दी जाए। मगर यह राजनीतिक दल, या यह कहा जाए ये राज्य जो हैं, चाहे पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र या तमिलनाडु, वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि देश के संघीय ढांचे के तहत जो हमारे अधिकार हैं उन्हें भाजपा सरकार रौंद रही है। वो सिर्फ ये मुद्दा उठाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये लगातार बढ़ता जाएगा ना दोस्तों तो हमारा देश लोकतंत्र नहीं रहेगा। इनफैक्ट आज जो मैंने आपको दोनों खबरें जो पेश की है उसका नाता देश के स्वस्थ लोकतंत्र से है। मीडिया आपके मुद्दे नहीं हटाता, आपको अनाप शनाप मुद्दों में भटकाए रखता है। देश के संघीय ढांचे को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जब ये दोनों चीजें एक साथ होंगी तो देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। मगर न्यूज चक्र का फलसफा यही है कि जिन मुद्दों से सरकार आपको भटकाना चाहती है ना, हम सरकार का चेहरा एक्सपोज करते हैं, हम उन्हीं मुद्दों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दे आपके मुद्दे हैं। मेरी इस बात को याद रखिएगा। नमस्कार।